नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और हम ऐसे आगे भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पश्चिमी विधानसभा में क्षेत्र के विकास के लिए नगर विकास विभाग की ओर से 35 योजनाओं की गई शुरुआत। स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। करंडी के आदिवासी भवन में जयपाल सिंह मुड्डा आदिवासी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से कोटका विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सनातन मांझी की प्रतिमा का किया गया अनावरण। क्षत्रिय चेतना मंच ने कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पर नियंत्रण करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को किया सम्मानित। बागबेड़ा में बबलू सिंह पर गोली चालन मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई सामान भी बरामद। सरायकेला से टाटा जाने के दौरान बेटी से मिलने जा रहे माता पिता हादसे के हुए शिकार। पिता की मौके पर हुई मौत, बाइक को कार ने मारी टक्कर। दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से हुई एक युवक की मौत, परिवार में मातम। जमशेदपुर और घाटशिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लगभग 7,581 मामले का निष्पादन तो वहीं 15 करोड़ से ज्यादा की हुई वसूली। राज्य मंत्री सह सरायकेला विधायक चंपई सोरेन का गृह जिला के दौरे के दौरान गमरिया प्रखंड क्षेत्र के चौका मोहाली में किया गया भव्य नागरिक अभिनंदन। वर्षों से बंद पड़ी कंपनी केबल कंपनी के कर्मचारियों के साथ जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को की बैठक। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। गुमला में बिना हेलमेट पहने 2 बाइक सवारों की टेम्पो से हो गई टक्कर। घटनास्थल पर हुई 2 की मौत, 6 लोग हुए घायल। ट्रैक्टर चोरी के लिए आए स्कॉर्पियो समेत 5 चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। घर के नीचे खड़े ट्रैक्टर को धकेल कर ले जा रहे थे चोर, मालिक ने मचाया शोर। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दिखा एक बार फिर से असर। 24 घंटे में दिखे 7 पॉजिटिव मरीज। 2 दिन के दौरे पर रांची आएंगे तेजस्वी यादव। 18 सितंबर को पहुंचेंगे झारखंड। 19 को किया जाएगा अभिनंदन। बहादुरगढ़ थाने में अवैध संबंध में हुई हत्या। हरियाणा में बैंक मैनेजर ध्रुवा की बेटी का फंदे से लटका मिला शव। धनबाद में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा RSS हर प्रखंड में बनाएगा कोरोना आइसोलेशन सेंटर। प्रखंड टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक हुई आयोजित। 50% से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका, 200 अभी छूटे। BDO की अध्यक्षता में हुई बैठक। लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर ज्वेल्स के तीसरे इंस्टॉलेशन सेरेमनी का हुआ आयोजन। झारखंड के मंत्री ने की निजी स्कूल की तारीफ। शिक्षकों ने किया मंत्री का विरोध, कहा किसके आदेश पर चल रहा है सरकारी स्कूल। मछली मारने को लेकर ITI छात्र ने नई तकनीक का किया उपयोग। करंट लगने से गई जान। ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर, RPF ने बचाई जान। हटिया रेलवे स्टेशन की है घटना। रेल यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर, अभी लगातार चलेगी 22 जोड़ी ट्रेनें, यात्रियों को नहीं होगी असुविधा। झारखंड में दिखने लगा चक्रवात का असर, कभी धूप तो कभी तेज बारिश से परेशान है झारखंडवासी। रांची में खाने पीने की दुकानों में बिना मास्क और ग्लोव्स का दुकानदारी करने पर लगेगा जुर्माना। COVID-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर नगर निगम ने बनाई रणनीति। रांची में 25 जगह खोले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र, 50 करोड़ की आएगी लागत। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा कोरोना काल में समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। पोटका प्रखंड के कई गांवों में शौचालय निर्माण कार्य रहा अधूरा, फिर भी पोटका हुआ ODF घोषित। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 24 खबरों की।